15,000 से भी ज्यादा पदों के लिए बंपर पीजीटी टीजीटी शिक्षकों की भर्ती आ गई है। पीजीटी टीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ वैकेंसियां हैं। ऑनलाइन आवेदन इनका जारी है, मतलब एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और ऑल ओवर इंडिया लेवल से, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। मतलब जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है वो आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है, दो अलग अलग नोटिफिकेशन हैं, दोनों आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किए जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए वैकेंसियां देख लीजिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग, मतलब टीजीटी की बालक वर्ग की जो वैकेंसियां हैं वो है 11,195, बालिका वर्ग के लिए जो वैकेंसियां हैं वो है 1,408। इसी तरह से पीजीटी प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए वैकेंसी है 2,281 और बालिका वर्ग के लिए वैकेंसियां हैं 314। सब्जेक्ट आपको यह दिखाई दे रहे होंगे, लगभग सभी सब्जेक्ट्स जो कि किसी विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं उन सभी के लिए यहां वैकेंसियां आई हुई हैं। ये टीजीटी के लिए भी देख सकते हैं, अलग अलग 16 सब्जेक्ट्स की वैकेंसियां हैं। किसकी कितनी वैकेंसियां हैं उससे पहले आप ये देख लीजिए रिक्रूटमेंट कहाँ से आ रही है, बाकी आप कहीं से भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले आप वही पॉइंट देख लीजिए जिससे आपको ये अंदाजा पता लग जाएगा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी आरक्षण श्रेणी अवश्य अंकित करें। आगे देखिए पॉइंट नंबर 13.3, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांगजन जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं तो ही आपको उस कैटेगरी का लाभ मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी ही माना जाएगा। रिक्रूटमेंट कहां से आ रही है पहले ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे। ये देखिए upsesb.org, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। एडवर्टाइजमेंट्स 2021, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021 टीजीटी के लिए है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021 पीजीटी के लिए है। ऑफिशियल वेबसाइट आपने देख ली है और यहाँ क्लिक करके आपको इनके लिए आवेदन करना है। अब हम देखेंगे वैकेंसियों की डिटेल, किसके कितने पद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी की ही। टीजीटी में हिंदी के कुल पद हैं 1,742, गणित के 1,822, गृह विज्ञान के 611, उर्दू के 65, इंग्लिश के 1,587, कला के 710, सामाजिक विज्ञान के 1,392, सिलाई के 19 हैं, संस्कृत के 938 हैं, विज्ञान के 792 पद हैं, जीव विज्ञान के 693 हैं, वाणिज्य 127, कृषि 184, शारीरिक शिक्षा 497, संगीत वादन 6 और संगीत गायन के 10 पद हैं। और ये किन के लिए हैं, ये कक्षा 9 और 10 को पढ़ाने के लिए, कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों के ये पद हैं। इसके बाद बालिका वर्ग के लिए भी कुछ वैकेंसियां यहाँ हैं, ये भी देख लीजिए। बालिका वर्ग के लिए हिंदी की 214, गणित की 167, गृह विज्ञान की 160, उर्दू की 12, इंग्लिश की 196, कला की 103, सामाजिक विज्ञान की 186, सिलाई की 4, संस्कृत की 97, विज्ञान की 106, जीव विज्ञान की 42, वाणिज्य की 8, कृषि की 1, शारीरिक शिक्षा की 48, संगीत वादन की 14, संगीत गायन की 50। तो टोटल 1,408 वैकेंसियां ये हो गई हैं और ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु शैक्षणिक अर्हताएं यहाँ दी गई, सारणी संख्या 2 में दी गई है, कक्षा 9 10 के अध्यापक हेतु। ये देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अर्हता दे दी गई है, अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता दी गई है, ये वरीयतामान अधिमानी अर्हता दी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन यहाँ प्रोवाइड कराई गई है। अब हम देख लेते हैं पीजीटी के पदों की संख्या। प्रवक्ता बालक वर्ग, प्रवक्ता पीजीटी की यहाँ बात हो रही है, कक्षा 11 और 12 के जो अध्यापक है उनकी। यहाँ हिंदी के कुल पद है 363, गणित के 98, गृह विज्ञान के 2, अर्थशास्त्र के 143, इतिहास के 68, इंग्लिश के 269, कला 49, नागरिक शास्त्र 153, भूगोल के पद है 250, मनोविज्ञान के 35, शिक्षा शास्त्र के 25, समाज शास्त्र के 67, संस्कृत के 232, जीव विज्ञान के 108,
भौतिक विज्ञान के 148, रसायन विज्ञान के 160, शारीरिक शिक्षा के 11, वाणिज्य के 45, कृषि के 38, सैन्य विज्ञान के 10, तर्कशास्त्र के 7, कुल पद 2281। प्रवक्ता बालिका वर्ग के लिए भी देख लेते हैं, हिंदी के 47, गणित 1, गृह विज्ञान 11, अर्थशास्त्र 28, इतिहास 22, इंग्लिश 28, कला 27, नागरिक शास्त्र 30, भूगोल 8, मनोविज्ञान 12, शिक्षा शास्त्र 5, समाजशास्त्र 11, संस्कृत 34, जीव विज्ञान 6, भौतिक विज्ञान 10, 11 पद हैं यहाँ रसायन विज्ञान के, शारीरिक शिक्षा के 2, संगीत गायन 9 और संगीत वादन के 12, तो टोटल 314 पद ये हो गए हैं। इसके बाद सारणी संख्या 2 में प्रवक्ता पद हेतु शैक्षणिक अर्हताएं दे दी गई हैं, कक्षा 11-12 के लिए अध्यापक हेतु, तो ये देखिए यहाँ पूरी क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कराई गई हैं। अब हम देखते हैं मेन मेन तिथियां, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर प्रोवाइड कराई गई हैं विज्ञापन संख्या 2/2021 और इसी तरह से विज्ञापन संख्या प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 1/2021, बिल्कुल सेम तिथियां हैं दोनों के आवेदन करने की, किसी में से भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भाग 1, पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि 16 मार्च 2021 है। आवेदन शुल्क जमा कराने हेतु प्रारंभ तिथि 16 मार्च 2021 है। ऑनलाइन आवेदन भाग 1, पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 अप्रैल 2021 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2021। ऑनलाइन आवेदन भाग 2, सबमिट करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 है। ये देखिए इसी तरह से टीजीटी की भी सेम वही दी गई है, 16, 11, 13 और 15, तो आप देख सकते हैं सेम तिथियां हैं। जहां तक इनके लिए एप्लीकेशन फीस की बात है, एप्लीकेशन फीस भी देख लेते हैं। यहां बात हो रही है सबसे पहले पीजीटी की। पीजीटी के लिए अनारक्षित सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 700 है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 50 है, तो ये दोनों को जोड़ के कुल योग में आपको बता देता हूँ 750 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 650, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250, ये एप्लीकेशन फीस है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए क्रमांक 1 से 5 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार वही फीस लगेगी। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी वही है, महिला के लिए भी वही है, विकलांग के लिए देखिए मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान, तो 1/2 का भुगतान करना होगा श्रेणी के अकॉर्डिंग अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो। इसके बाद टीजीटी के लिए देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस क्या निर्धारित की गई है, ये देखिए अनारक्षित सामान्य के लिए 750, ईडब्ल्यूएस के लिए 450, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250, इनके लिए फीस निर्धारित की गई है। आयु सीमा का यहाँ कोई इश्यू नहीं है, मिनिमम एज आप देख लीजिएगा 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 वर्ष तक कुछ भी आपकी एज हो सकती है। जहां तक वेतनमान की बात है, टीजीटी के लिए 44,900 से 1,42,400, पे लेवल 7 ग्रेड पे 4,400 है। और जहां तक बात है टीजीटी की, तो टीजीटी के लिए जो एप्लीकेशन की आयु है वो 21 वर्ष न्यूनतम है और इनके लिए पे लेवल है 47,600 से 1,51,100, पे लेवल 8 ग्रेड पे 4,800। जहां तक इनकी क्वालिफिकेशन की बात है, अलग अलग पहले से वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, ये वीडियो देखिए आज से 4 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, ऑल सब्जेक्ट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट 2021, टोटल पोस्ट 2,595। अगर आप देखेंगे तो पीजीटी टीचर्स की जितनी भी यहाँ वैकेंसियाँ हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी की क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी वगैरह इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, 12 मिनट 52 सेकंड, लगभग 13 मिनट का वीडियो है, डिटेल से सारी क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कराई गई हैं। इसी तरह से आज से 4 दिन पहले ही एक वीडियो मैंने और अपलोड किया था, सरकारी शिक्षक बम्पर भर्ती, टोटल पोस्ट 12,600। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो टीजीटी टीचर्स के लिए जितनी भी क्वालिफिकेशन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, मतलब सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कराई गई है टीजीटी टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। तो क्वालिफिकेशन के लिए आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं, इन दोनों का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट से डिटेल नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड करके आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आवेदन करने से पहले काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, सारी जानकारी इसमें प्रोवाइड कराई गई है और स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया गया है, कैसे कहाँ जाके आप आवेदन करेंगे, कितने स्टेप्स हैं, कैसे फॉलो करने हैं और क्या सिलेबस इनके लिए निर्धारित किया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंटरव्यू के कितने को
इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, रिटर्न कितने नंबर का होगा, एक्सपीरियंस के कितने मार्क्स मिलेंगे, हायर क्वालिफिकेशन के क्या मार्क्स मिलेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मेन मेन सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।